अब जो बचा कुचा है आपके पास वो भी आपका जाएगा। अब तक तो ये था कि आपके दलितों की भूमि के संरक्षण के लिए ये कानून था। इस कानून के बनाने का मकसद ये था कि कोई भी व्यक्ति दबाव डालकर, जो एक परंपरा थी, या पैसे वाले लोग हैं और उनको लगे कि इनको भूमिहीन पूरी तरह से कर दो तो छल कपट से कहीं ना कहीं से ज़मीन खरीद लें। इसलिए कानून बनाता कि नहीं, जब तक आप एक पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे तभी आप किसी एससी की ज़मीन खरीद सकते हैं। अब उसको ये रिफॉर्म के नाम पर ख़त्म कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति खरीद सकता, बीच में कोई भी दलाल लगेगा और आपकी ज़मीन का सौदा हो जाएगा। नहीं मानिएगा तो आपको सीतापुर का कैप्सूल तो पता ही है। अब दलितों के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति है उसको छीनने का मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र है सरकार का, इसीलिए इसमें इस तरह के रिफॉर्म किए गए। अब से पहले जमीन बेचते थे दलित तो परमिशन लेनी पड़ती थी डीएम की एसडीएम की, अब उनकी जमीन आसानी से बिक जाएगी, बाजार रेट पे बिकेगी, अच्छा दाम भी मिल जाएगा, क्या दिक्कत है इस कानून से आपको? नहीं नहीं, बेचते कहाँ थे और क्यों बेचते थे, तो मेहनत मजदूरी करते थे, जो जमीन दलितों के पास होती थी उसको वो रिवार्ड समझकर रखते थे कि कम से कम फलां मैं एससी हूँ, मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, ये बड़ी बात है शान की। ये आज आपको मैं बता दूँ वो आसानी से बेच सकेंगे नहीं, उनके ज़मीन को बिचवा दिया जाएगा, उनको भूमिहीन बना दिया जाएगा, उनके हाथ में कटोरा थमवाने का प्रोग्राम है। ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र यही तो फार्मूला पूछना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथ में होगा, दलितों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, तो आपको पता ही, स्मृति लागू कर रहे हैं। हाँ, तो जब नहीं रखने का अधिकार है तो ऐसे अचानक नहीं छीनेंगे ना, अचानक है तो आप भी रोटी खाते हो, खून आपके शरीर में भी है। ये धीरे धीरे होगा, पहले ये कानून बनेगा, फिर इनकी ज़मीनें सब छीन लो, मुसलमानों का रोज़गार छीन लो, सिखों को खालिस्तानी बना दो, उसको पाकिस्तानी बना दो, एक पूरा माहौल बनाया जाएगा पहले धीरे धीरे। उसी माहौल का नाम है हिंदू राष्ट्र। मनुस्मृति लागू करने से पहले मिनी मनुस्मृति होगा, पहले जैसे कोई मैच होता है ना फाइनल, तो फाइनल से पहले होता है क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, तो एक क्वार्टर फाइनल के दौर में हम लोग चल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले इसको हटाओ, ठीक है, आरक्षण 10% नया दे दिया, कोई कुछ नहीं बोला, सन्नाटा। फिर जो है SC ST एक्ट में रिफॉर्म के नाम पे डायल्यूट किया गया, अगर सन्नाटा हो जाता उस टाइम तो वो भी गया था आपका काम, लेकिन हंगामा हुआ तो फिर से वो बहाल हुआ। ये ट्राई लेते रहते हैं। अब आपकी ज़मीनों को छीनने का ये षड्यंत्र, फिर आप खामोशी, आपको समझाया जाएगा कि यार बाल बच्चे की शादी ब्याह तुम धूमधाम से करोगे, ज़मीनें बेचोगे, आसानी से कोई भी ले लेगा, पहले डर से कोई लेता नहीं था, ये सब समझाया जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, आपकी ज़मीनें आपके हाथ से निकलेंगी। बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उसने एक रुपये में फ्लैट दिए थे गरीबों को, दलितों को, और भूमिहीनों को पट्टे भी दिए गए थे। बुलडोज़र चलेगा दलितों के वो तमाम बस्तियों पर जो पट्टे पर ज़मीनें थीं जो सरकार ने राउट किए थे, दिए थे वो सब। देखिए बुलडोज़र जो है वो यूं ही नहीं आया भारत में, लफ्ज़ बुलडोज़र इसराइल ने प्रयोग किया था और वो निरंतर प्रयोग कर रहा, और वहीं से ये आयात किया गया उस शब्द को। पहले अपने व्यक्तिगत जो इनके शत्रु हैं उस पर बुलडोज़र चलेगा, व्यक्तिगत शत्रु, धर्म नहीं। आज़म खान कोई धर्म के नाम पर नहीं मारेंगे, व्यक्तिगत शत्रुता थी मोदी योगी जी से। फिर अतीक अहमद व्यक्तिगत शत्रु, मुख्तार अंसारी व्यक्तिगत शत्रु, अभी इसको पहले व्यक्ति सबसे निपटेंगे, उसके बाद नॉन मुस्लिम जो व्यक्तिगत जिनसे पंगे हैं, अभी तो ये मुस्लिम मुस्लिम दिखाया जा रहा, योगी जी के नॉन मुस्लिम से भी व्यक्तिगत पंगे हैं, जो जीवन में कभी रोड़ा बने सबको बुलडोज किया जाएगा। उसके बाद बारी आएगी असल, जिसमें पर्दा हटेगा, नाटक में ना पर्दा जब हट जाता, पर्दा हटेगा तब तक वक्त बहुत दूर जा चुका होगा। राजा भैया बुरजे सिंह किसी पर नहीं चलेगा, बुलडोज़र चल रहा यूपी में, असर दिख रहा बिहार में, बिहार में कुछ पागल टाइप के जो नौजवान लड़के कह रहे हैं यहाँ भी योगी जी चाहिए, फलां को बुलडोज़र चला दो, फलां को चला दो, किसको किसको चला दो, तो गिन चुन के दो नाम बेचारा मुसलमानों का मिलता है उन लोगों को, वो जो सर फिरे जो नौजवान हैं पागल किस्म के, मनीष कश्यप टाइप के तो मैं जो कलंक ऑफ बिहार अभी जो जेल में है, कलंक ऑफ बिहार है वो, तो मैंने तो वो जो कलंक ऑफ बिहार टाइप के लड़के हैं जो पगलाए गए हैं, ये बुलडोज़र चलना चाहिए, ये सोच बनाया जा रहा कि मुसलमानों को और दलितों को काबू में रखने के लिए ये ज़रूरी है
कि हम बुलडोज़र का इस्तेमाल करें। तो मैं देश के दलितों से भी कहना चाहता हूं, आपकी चुप्पी आपका नंबर ले आएगी, इसलिए आप भी कंधे से कंधा मिलाकर जब तक एससी एसटी और माइनॉरिटी सब एक साथ नहीं बढ़ेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। पट्टे हैं चाहे कृषि के हों चाहे आवासीय हों, वो कब्जे तो अभी दबंगों के पास में है, बेशक उनके पट्टे हैं उनके पास, दलितों के पास कब्जा नहीं मिला है, ऐसे में तो फायदा रहेगा, कानून वो जमीन बेच देंगे आसानी से अपनी। नहीं नहीं, जमीन बेच देंगे ये आप न कह रहे हैं, आप तो भाजपा की भाषा बोले चले जा रहे हैं, बेच देंगे बेच देंगे, बेचने के लिए जमीन खरीदते हैं दलित लोग। कब्जा नहीं सर, दलितों बड़ी मेहनत से बाप दादा ने उस जमीन को हासिल किया है, मना आप लोग चाहते हैं कि बेच दे, हम चाहते हैं कि बेचे नहीं खरीदने वाला बने, समाज खरीदने वाला बने। आप बार बार कह रहे हो अच्छा कानून बन गया, अब बेच दे तो बेच, मतलब क्यों बेचेगा, बेचने का कारण तो बताइए क्या हो गया, भुखमरी है। कब्जा नहीं सर, दबंगों का कब्जा है जमीन। अरे उसको कब्जा लीजिए, बताइए कहाँ कब्जा नहीं है, चलते हैं हम लोग, कौन दबंग है, क्या बात कर रहे हैं। आज की तारीख में एससी एसटी की जमीन पर कोई कब्जा किए हुए और आप और कह रहे हैं कि आसानी से बेच दो भाई, ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से जमीन हथियाने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो भूमिहीन किए जाएंगे दलित देश प्रदेश में, भूमिहीन बनाने का ही प्रयास है और कुछ है ही नहीं। सारा ड्रामा ये हो रहा कि इनको भूमिहीन कर दो और धन आप देख ही रहे लगातार चल रहा है, चंद लोगों की मुट्ठी में डाल दो, ये जब न रहेगा भोजन के लिए कोई सामान तो ये फिर जो हम कहेंगे गुलामी का मतलब है, पहले आप भूमिहीन होंगे उसके बाद आप रोजगार आपके छीन लिए जाएंगे। अब आप जब डिपेंड हो जाएंगे 5 किलो राशन पर तो हो गए गुलाम, और क्या गुलाम की परिभाषा होती है कि आप निर्भर कर जाएं, आत्मनिर्भर नहीं निर्भर। तो यहाँ मोदी जी कह रहे थे आत्मनिर्भर और बनाया जा रहा सब लोगों को सरकार पर निर्भर, अगर 5 किलो राशन मिलेगा तो खाएंगे नहीं तो भूखे रहेंगे। इसलिए माए बाप जिसमें बोलो, कमल में बोलो, पंजाब में बोलो, सब में वोट दे देंगे, हमको राशन 5 किलो दे दिया करो, ये होगा। योगी सरकार का तो नारा है कि भूमाफियाओं को हम जो है गाड़ी पलटा देंगे, भूमाफियाओं जमीन खींची जाएगी, ये तो दलितों की जमीन लेने का फरमान जारी कर दिया है। ना ये मिट्टी में मिला रहे हैं, ना ईंटे में मिला रहे हैं, और किसी भी अपर कास्ट की आप पूरी सूची है, अब समय का अभाव है, रमजान आपको पता ही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरी सूची है 100 कुछ लोगों की जो टोटल अपर कास्ट के हैं, दबंग हैं, अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, उन पर दर्जनों नहीं सैकड़ों, कई पे सैकड़ों और कई पे दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं, संगीन मुकदमे हैं, उसके बावजूद भी वो मज़े से घूम रहे हैं। एक टीवी चैनल वाला कल एक न्यूज़ दिखा रहा था कि बिहार नीतीश मंत्रिमंडल में इतने अपराधी प्रवृत्ति के मंत्री हैं, मैंने कहा काश उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल और विधायकों की सूची भी अगर जारी कर देते तो समझते, जब तक बिहार में नीतीश भाजपा के साथ थे कोई अपराधी मंत्री नहीं था, जैसे भाजपा से अलग हुए उनके सारे मंत्री अब अपराधी दिखने लग गए। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को समझना पड़ेगा और जनता को समझाना पड़ेगा। दो चार तो इतने प्रसिद्ध नाम हैं जिनके मुकदमे की गिनती आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल है सत्ता में हैं और अपर कास्ट हैं, अपर कास्ट के हैं उनके लिए सब जायज़ है, जो एससी एसटी है वो अगर छोटा सा भी जुर्म कर दे, देखिए 2 मिनट में। सर ये कानून आ गया है जो एससी एसटी के जो विधायक हैं सांसद हैं, आखिर वे उस कानून के खिलाफ कोई खड़े नहीं हो रहे यहाँ करके सामने, कहाँ खड़े होंगे, आपने जिताया है, भाजपा ने जिताया है, आप जिताएंगे तब ना, जब सिंबल पर वोट देते हैं कमल देखकर अमल करेंगे तो वो आपकी बात क्यों करेंगे, पंजा देखकर आप वोट देंगे वो आपकी बात नहीं करेंगे, आप अपना नुमाइंदा जब तक नहीं भेजेंगे तब तक वो आपकी बात नहीं करेंगे। ये लड़ाई बाबा साहब की अधूरी थी जो आज भी पूरी होनी।